मम नाम अनुष्का शर्मा अस्ति। मम नाम आर्या जैन अस्ति। मम नाम आर्या शर्मा अस्ति। मम नाम पूर्वा विनोद अस्ति। आज का मेरी संस्कृत गतिविधि है पंचतंत्र की कहानी, तो शुरू करते हैं। आज का मन कहानी का शिक्षक विषय है मुर्द बातों में। एक तालाब में कछुआ रहता था, उसी तालाब में तो हंस तैरने के उतरते थे। हंस बहुत हसमुख है, कछुए उसमें दोस्ती होने में देर न लगी। हंसों को कछुए का धीमे धीमे चलना और उनका भोलापन बहुत अच्छा लगा। हंस बहुत ज्ञानी जी थे, वे कछुए को अद्भुत बातें बताते, ऋषि मुनियों की कहानियां सुनाते, हंस दूर दूर तक घूमकर आते थे। इसलिए दूसरी जगहों की अनोखी बातें कछुए को बताते हैं। कछुआ मंत्रमुग्ध होकर उनकी बातें सुनता, बाकी तो सब ठीक था, पर कछुए के बीच में टोका टोकी करने की आदत बहुत थी। अपने सज्जन स्वभाव के कारण हंस उसकी इस आदत को बुरा नहीं मानते थे। उन तीन दिनों की घनिष्ठता बढ़ती थी। दिन गुजरते गए, बरसात के मौसम में भी एक बूंद पानी नहीं बचता। उस तालाब का पानी सूखने लगा, प्राणी मरने लगे, मछलियां तो तड़प तड़प कर मर गई। तालाब का पानी और तेजी से सूखने लगा। एक समय ऐसा भी आया कि तालाब में खाली कीचड़ रह गया। कछुआ बड़े संकट में पड़ गया, जीवन मरने का प्रश्न खड़ा हो गया। वहीं पड़ा रहता तो कछुए का अंत निश्चित था। हंस अपने मित्र पर आए संकट को दूर करने का उपाय सोचते, वे अपने मित्र कछुए को सांत्वना देने का प्रयत्न करते और हिम्मत न हारने की सलाह देते। हंस केवल झूठा दिलासा नहीं दे रहे थे, वे दूर दूर तक उड़कर समस्या का हल ढूंढते। एक दिन लौटकर हंस ने कहा, मित्र यहाँ से 50 फुट दूर एक झील है, वहाँ पर काफी पानी है, वहाँ पर तुम मजे से रहोगे। कछुआ रोनी आवाज में बोला, 50 गज दूर, इतने दूर जाने में तो महीने लग जाएंगे, तब तक तो मैं मर ही जाऊंगा। कछुए की बात भी ठीक थी। हंसों ने अकल लड़ाई और एक तरीका सोच निकाला। वे एक लकड़ी उठा लाए और बोले, मित्र हम दोनों इस लकड़ी को अपनी चोट से इसका सिरा पकड़कर उड़ेंगे, तुम अपनी चोट से इसका मुंह पकड़ के उड़ना, फिर हम उस झील तक तुम्हें पहुंचा देंगे, उसके बाद तुम्हें कोई चिंता नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी, लेकिन अगर तुम अपना मुंह खोलोगे तो तुम गिर पड़ोगे। कछुए ने हामी में सर हिलाया, बस लकड़ी